अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए एक साल बाद या छह महीने बाद, तो हम समाजवादियों से और उत्तर प्रदेश की जनता से ज्यादा खुश कौन होगा? अध्यक्ष जी, सवाल इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस भी सीटें मांग रही है। तो मांगना तो अच्छी बात है, मांग रही है, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हम और हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है। 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। कल जिस तरह से उनका बयान आया था, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो स्टैंड नहीं लिया गया जैसे उनको लेना चाहिए था? किसका? दानिश अली को। दानिश अली समाजवादी पार्टी की भी तो है, किस तरह से मिले आप रिजल्ट नहीं बता वो कब का है रिजल्ट? 19 का। अरे सवाल और है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ने, क्या वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी अपने संगठन के साथ बातचीत कर रही है, संगठन के लोग लगातार सुझाव दे रहे हैं। जहाँ पार्टी का संगठन है और पार्टी जो गठबंधन बना है बड़ा देश का, बातचीत कर करके आगे बढ़ेंगे। कृष्ण मौर्य का कहना है कि एक घोसी जीत कर बहुत खुलने की जरूरत नहीं है, 2024 में पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी को। ये कौन है भाई? कृष्ण मौर्य जी नाम लिया था मीडिया से, स्कूल वाले। देखिए एक लोहा लोहे को काटता है, बीजेपी की रणनीति जान लो समझ लो क्या है, इसलिए बीजेपी पे सोचिए, उसी के बारे में तय करिए। यहाँ पर हार हुई है मुख्यमंत्री जी की, आप गलत फहमी मत रहिएगा, आप एड के हिसाब से सवाल मत पूछिए, एड ज्यादा हो जाएगा तो उसी से आकर सवाल पूछेंगे आपसे। ये हार हुई है मुख्यमंत्री और सरकार की, इसलिए उनको सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि हार उनकी हुई है। सर अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। देश का जब हम दुनिया के देशों को देखते हैं, दुनिया के देश कहाँ पहुंच गए हैं, वहां की सड़कें, इलाज, अस्पताल या शिक्षा या कैसा है। कोई विदेश का टूरिस्ट आ रहा है आपके देश में? आप G20 के आयोजन में इतना पैसा खर्च करवाए, G20 जितनी जगह हुए हैं सोचिए कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और फ्रांस के अगर कोई टूरिस्ट आए और उसका पति अपनी पत्नी के बीमार होने पर एम्बुलेंस के लिए मांग करे, और आप G20 कर रहे हैं, यहां पर आप दुनिया के दूसरे देशों को दिखाना चाहते हो कि हम इतना ताकतवर देश बन गए और एक मामूली एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे आप एक टूरिस्ट के इलाज के लिए। इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है, इससे खराब संदेश क्या जा सकता है। केवल खबर भारत में नहीं छपी होगी, फ्रांस में भी छपी होगी कि एक टूरिस्ट आया और उसको भारत सरकार न केवल दवा दे पाई, एम्बुलेंस बुलाते रहे, एम्बुलेंस नहीं पहुंची और उसकी वजह जान चली गई। सोचिए गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है, आरएसएस की बैठक चल रही थी भाजपा के साथ, मुख्यमंत्री का वो इसलिए गड्ढा है उसी की बैठक चली जाए। अब वो पत्रकार सवाल ही एक ही लाइन में दो सवाल पूछ रहा है भाई, होगा क्या है, क्या दुर्दशा है सोचिए आप। आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है और ये सरकार बताए कि 10 साल में गरीब के लिए अगर कोई जिला अस्पताल बनाया तो बता दो। जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस भी चलाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया। अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो हमें सरकार बताए कि इस जिले में उन्होंने एक जिला अस्पताल बनाया है जहां पर गरीब को इलाज हो रहा। और दुर्भाग्य तो ऐसा है कि बताइए डेंगू के मरीज नहीं बचा पा रहे, ये सरकार मामूली बुखार से जो पीड़ित गरीब है उसको इलाज नहीं दिला पा रहे। कासगंज एटा की खबर मैंने पढ़ी और सुनने में आया है 30 से ज्यादा लोग केवल डेंगू से जान चली गई। ये जो लोग $1 trillion 5 trillion इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, G20 के लोगों को बुला रहे हैं, तो वो क्या ये कि हम बुखार से लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं? और G20 वाले भी जान गए हैं कि घोसी उत्तर प्रदेश में मऊ में है। ये समाजवादियों ने सुझाव दे दिया उसी की वजह से बन रहा है स्टेडियम। आप सदन की कार्रवाई निकालिए। एक विदेशी महिला
हाँ चलते ही रहेंगे, चलते चलते होती रहेगी। चलो भाई मोबाइल पीछे भाई। अच्छा